अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ द सीरीज ऑफ करेक्शन एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द करेक्शन एमसीक्यूज ऑफ गुजरांवाला बोर्ड ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज अर्लियर यू स्लीप अर्लियर यू गेट अप. अब इसमें हमने प्रीवियस में सेंटेंस पढ़ा था हायर वी गो कूलर इट इज, तो वो था द हायर वी गो द कूलर इट इज. तो इसमें उसी पैटर्न पे ये जुमला है द अर्लियर यू स्लीप द अर्लियर यू गेट अप. इकोनॉमिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट, तो ऑप्शन हैं द इकोनॉमिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट. अब इकोनॉमिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट जो है ये लगेगा करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, द प्रिजनर हैंग्ड इन द जेल, द प्रिजनर वॉज हैंग्ड इन द जेल. जी फर्स्ट वन जो है ऑप्शन ए इट इज द करेक्ट ऑप्शन, द प्रिजनर वॉज हैंग्ड इन द जेल. वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल, अब ये जुमला बहुत मशहूर है. ठीक है, ये जुमला अक्सर आता है, तो इट इज ऑप्शन ए अगेन, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो के. ठीक है, तो वर्क हार्ड के मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ. सेंटेंस नंबर 5 है ही इज मोर टॉलर देन यू. ऑप्शंस आर ही इज द मोर टॉलर देन यू, ही इज टॉलर देन यू. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ही इज टॉलर देन यू. सेंटेंस नंबर 6 है वी इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो इंजॉयड के साथ हमेशा आवर सेल्व लगता है, सो वी इंजॉयड आवर सेल्व ड्यूरिंग द हॉलीडेज. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. कैटल आर ईटिंग ग्रास, तो इसका कैटल्स लिखा हुआ है, कैटल्स नहीं होता, ये कलेक्टिव नाउन है, तो कैटल आर ईटिंग ग्रास होगा. या फिर ये जुमला इस तरह से भी आता है कि द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. ठीक है, तो उसमें कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड आपने लगाना है. सेंटेंस नंबर 8 है द पेशेंट हैज़ बीन ऑपरेटेड, तो ऑपरेट अपॉन होता है जो अस्पतालों में ऑपरेशन किए जाते हैं, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, द पेशेंट हैज़ बीन ऑपरेटेड अपॉन. शी इज गुड इन कुकिंग, ऑप्शन ए शी इज गुड विद कुकिंग, शी कुक्स गुड, शी इज गुड ऑफ कुकिंग, और ऑप्शन डी शी इज गुड एट कुकिंग. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, शी इज गुड एट कुकिंग. सेंटेंस नंबर 10 ही नोज टू स्विम, ऑप्शन ए ही नोज स्विमिंग, ही नोज हाउ टू स्विम, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ही नोज हाउ टू स्विम. सेंटेंस नंबर 11 इज लेट असलम एंड आई प्ले हॉकी, सो इट विल बी ऑप्शन ए लेट असलम एंड मी प्ले हॉकी. सेंटेंस नंबर 12 इज The old man died in typhoid. Options are the old man died with typhoid, the old man died from typhoid, the old man died of typhoid. So option C is the correct option, the old man died of typhoid. Sentence number 13, bad news spread fast. Options are bad news will spread fast, bad news spread fastly, bad news spread very fast, bad news spreads very fast. So option D is the correct option, क्योंकि news को हम singular के तौर पर लेते हैं, तो इस वजह से इसके साथ spread लिखेगा. Number 14, he reached the college in time. Option A, he reached in college in time, he reached at the college in time, he reached college in time. So option C is the correct option. नंबर 15 अगेन ऑपरेटेड का वर्ड आ गया, तो ऑपरेटेड मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ऑपरेटेड के साथ अपॉन लगता है. ठीक है, तो सी जो ऑप्शन है ही हैज़ बीन ऑपरेटेड, सो ही हैज़ बीन ऑपरेटेड अपॉन लगेगा. ठीक है, सेंटेंस नंबर 16 इज 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, सो ऑप्शंस आर 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 10 miles is a long distance. He has been successfully operated. अब ये operated का word जो है third time आ रहा है, तो हमें पता है कि operated के साथ हमेशा upon use होता है. ठीक है,
So option C is the correct option. He availed of the chance. He had availed of the chance. He has availed of the chance. He himself availed of the chance. He availed himself of the chance. तो availed के साथ भी himself लगता है. So option D is the correct option. It is 5:30 in my watch. So the first option, it is 5:30 by my watch is the correct option. Watch के साथ जब भी हम time बताते हैं तो by जो है वो यहाँ पे preposition use होती है. He does not know to sing. अब ये भी repeat हो रहा है, ठीक है. हमें पता है कि how to sing होता है, ठीक है. So option C जो है उसमें how लगा हुआ है. तो he does not know how to sing. Sentence number 21. Either you or I are wrong. तो options हैं. Either you or me are wrong. Either you or I is wrong. Either you or I am wrong. ठीक है. तो option C जो है I के साथ चूंकि am लगता है, ठीक है. So option C is the correct option. Number 22. This is a worth seeing sight. So the options are this is a worth seeing sight. This is a worth see sight. This is a sight worth seeing. So option C is the correct option. This is a sight worth seeing. नंबर 23 है तो ऑपरेटेड आ गया अगेन. तो अब मेरे ख्याल से मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ऑपरेटेड के साथ अपॉन लगता है. सो इसको देखते साथ ही आपको पता होना चाहिए कि अपॉन लगेगा. देर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट. ये भी तकरीबन तीसरी से चौथी दफ़ा रिपीट हो रहा है कि रूम का वर्ड यूज़ होता है. तो देर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट आएगा ऑप्शन बी. शी कम्स ऑफ अ गुड फैमिली. तो ऑप्शंस हैं शी कम्स इन अ गुड फैमिली, शी कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, शी कम्स ऑफ अ गुड फैमिली. सो ये सेंटेंस जो है करेक्ट है ऑलरेडी. शी कम्स ऑफ अ गुड फैमिली, ठीक है. सेंटेंस नंबर 26 इज आई मेट अ माइजर मैन. ऑप्शंस आर आई मेट द माइजर मैन, आई मेट द माइजर, आई मेट अ माइजर. So number C is the correct option. I met a miser. No sooner do I reach the station than the train started. No sooner did I reach. यही option correct है. No sooner did I reach. Did लग गया तो उसके पास reached नहीं हो सकता. Then the station, then the train started. So option A is the correct option. Number 28. He went out just now. He goes out just now. Option B. He was gone out just now. He has gone out just now. So option C is the correct option. He has gone out just now. Number 29. There are much students in the classroom. Much students तो नहीं हो सकता, ठीक है. Many हो सकता है, तो many वाले option देखते हैं. There is, अब many के साथ is भी नहीं लग सकता. तो option D देखें. There are many students in the classroom. That is the correct option. Okay. Number 30. These all men are poor. This all men are poor. These all men is poor. All these men are poor. So option C is the correct option. All these men are poor. Okay. Sentence number 31 hai. A cow. Sorry. A cow is a useful animal. Options are. A cow is a useful animal. A cow is an useful animal. The cow is a useful animal. So option C is the correct option. The cow is a useful animal. Number 32. Each of these two girls are intelligent. Options are each of these two girls is intelligent. Each जो है ये हर एक individual को चूंकि singularly refer करता है तो लिहाजा इसके साथ is लगेगा. So option A जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नंबर 33. नाइदर ही रीड्स नॉर ही टीचेस. ऑप्शंस आर नाइदर डज ही रीड नॉर डज ही टीच. तो आगे जाने की जरूरत नहीं, पहले ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नाइदर डज ही रीड नॉर डज ही टीच. सेंटेंस नंबर 34. मुस्लिम्स आर अ ब्रेव नेशन. ऑप्शंस आर मुस्लिम्स इज अ ब्रेव नेशन, द मुस्लिम्स इज अ ब्रेव नेशन,
द मुस्लिम आर अ ब्रेव नेशन, द मुस्लिम्स आर अ ब्रेव नेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, द मुस्लिम्स आर अ ब्रेव नेशन। ही इज इल फ्रॉम फीवर नंबर 35 है, ही इज इल फॉर फीवर, ही इज इल विद फीवर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ही इज इल विद फीवर। सेंटेंस नंबर 36, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट। ऑप्शंस आर शेक्सपियर इज ग्रेट देन एनी ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 37, आई ही एंड यू आर फ्रेंड्स। अब ये भी जुमला दूसरी दफा रिपीट हो रहा है, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द लास्ट न्यूज? तो लास्ट न्यूज नहीं होता बल्कि लेटेस्ट न्यूज होता है। सो इट इज ऑप्शन डी, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। द मर्डर हैंग्ड यस्टरडे, द मर्डर वॉज हैंग्ड यस्टरडे। ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। दिस इज अ वर्थ सीइंग साइट। ये भी जुमला रिपीट हो रहा है थर्ड टाइम, दिस इज अ साइट वर्थ सीइंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट इज ऑल फॉर द करेक्शन ऑफ गुजरांवाला बोर्ड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।